युवाओं के बीच फेमस इंडियन आइडल सिंगर अमित साना का कहना है कि उत्तराखंड में कुदरती अच्छे गायकों की कमी नहीं है, बस यहाँ के गायकों को मॉडर्न सिंगिंग के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। यह बात उत्तराखंड के सिंगर पवनदीप ने इंडियन आइडल में अपनी गायकी से लोगों को बता दिया है। उत्तराखंड में गायकी के फील्ड में प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। अमित साना ने कहा कि उत्तराखंड में गायकी को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में उनकी भी उत्तराखंड में एक सिंगिंग स्कूल खोलने की योजना है, जिसके लिए वे प्रयास करेंगे। आगे कहा कि अन्य लोगों को भी उत्तराखंड में इस पर कार्य करना चाहिए। वहीं अमित साना ने बताया कि युवा उन्हें सुनना पसंद करते हैं, जिसे ध्यान में रखकर वे भविष्य में अपने 15 नए गाने लेकर आ रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद लिखा है। अमित ने कहा कि उनके यह रोमांटिक गाने सावन, स्पॉटिफाई समेत तमाम म्यूजिक ऐप या संगीत चैनलों पर उपलब्ध होंगे। आगे बताया कि 80 के दशक में पॉप का जो क्रेज चल रहा है, उस थीम पर भी उनके गाने रहेंगे, जो अलग अलग थीम पर होंगे। वहीं फिल्म के गानों को लेकर सवाल पर अमित ने कहा कि वर्तमान में वह अपने गानों पर फोकस कर रही हैं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो उस पर कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में म्यूज़िक का बहुत स्कोप है, बिकॉज़ यहाँ पर पहाड़ी गीत गाए जाते हैं, फोक म्यूज़िक का कल्चर है। इनफैक्ट यहाँ के बहुत सारे गाने जो हैं किसी न किसी फॉर्म में फिल्मों में भी आए हुए हैं, और बहुत पहले से 1950s 60s तब से ये इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरा जो एरिया यहाँ का म्यूज़िक है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यहाँ पर कभी ऐसे मॉडर्न सिंगिंग के हिसाब से, मॉडर्न म्यूज़िक के हिसाब से कोई स्कूल से ऐसे शायद कुछ नहीं खुले, बट अब मुझे लगता है कि इंडियन आइडल में जब यहाँ से जो पार्टिसिपेंट आए थे यहाँ के उत्तराखंड के पवनदीप जी, तो उनके आई थिंक थ्रू उनके आने के बाद से यहाँ पर बढ़ेगा जो म्यूज़िक का जो एक कल्चर है, म्यूज़िक को लेकर जो अवेयरनेस है पेरेंट्स के अंदर भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे नेचुरली अच्छा गाते हैं, यहाँ के लोग नेचुरली अच्छा गाते हैं बिकॉज ऑफ स्कोप म्यूज़िक कल्चर। तो अगर उनको सिखाया जाए सही तरीके से तो लेकिन डू अमेजिंग। यहाँ पे लोगों की रेंज, वोकल रेंज बहुत ज़्यादा होती है जो मैंने एक्सपीरियंस की है, और सुगमता से ईजिली गाते हैं बिना सीखे भी, नेचुरली अच्छे सिंगर्स बहुत होंगे यहाँ पर जितना मुझे आइडिया लगता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे म्यूज़िक का बस एक कुछ अच्छे स्कूल्स होने की ज़रूरत है। कभी हुआ तो कोशिश करूँगा कि मैं भी कोई अपना म्यूज़िक स्कूल यहाँ पर शुरू कर सकूँ। फिलहाल तो कोई ऐसे प्लान्स नहीं है, बट समडे इवेंचुअली आई विल डू दैट। तो हुआ तो ज़रूर मैं कुछ करूँगा अपने सर तरफ से। बाकी आई थिंक इट हैज़ अ ब्रिलियंट फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन म्यूजिक। मैं अभी बहुत सारे अपने ओरिजिनल्स गाने ओरिजिनल्स जो हैं वो बना रहा हूँ। एक ओरिजिनल मेरा फरवरी में रिलीज़ हुआ था। ये सारे ओरिजिनल्स जो हैं सारे के सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, iTunes, Apple Music, Amazon, Jio Saavn सब पे ये आने वाले हैं। और अभी कुछ 15-20 गाने रिलीज़ करने का हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश है कि, और ये सारे गाने मेरे खुद के कंपोज सॉन्ग्स हैं, खुद के बनाए हुए गाने हैं, एंड दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मॉडर्न म्यूज़िक के हिसाब से, मॉडर्न लिसनर को ध्यान में रखते हुए जो आपके 18 साल से लेके, क्योंकि अलग अलग तरह के गाने होंगे, 18 से लेके जो 35-40 साल की भी जो ऑडियंस है, 45 ईयर्स की भी जो ऑडियंस है, उनके लिए मैं अलग अलग गाने मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम आर वेरी वेरी मॉडर्न, वेरी वेरी पॉपिश, सम आर वेरी इंडियन, वेरी इंडियन बाय नेचर, यू नो, विद इंडियन साउंड्स।